आज का ये वीडियो है गोल्डन एज के नाम, यानी उम्र का वह पड़ाव जहां शरीर बेशक कुछ सुस्ताने को करे लेकिन मन बच्चों जैसा हो जाता है। फिट रहने के लिए इस उम्र में सबसे अच्छी एक्सरसाइज है सुबह शाम की वॉक। आइए जानें इसके फायदों के बारे में। पहले मैं याद दिला दूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लिखे कर लीजिए, किसी के काम आ सकती है तो शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलना। भूल जाएं जिम और मुश्किल एक्सरसाइज। वॉकिंग हर उम्र के लिए आसान व सुरक्षित एक्सरसाइज है। अगर आपकी सुबह भी वॉक से शुरू होती है तो वाकई आप अपने हम उम्र लोगों से अधिक स्वस्थ महसूस करते होंगे। ऐसा हम नहीं, शोध कहते हैं, सिर्फ 10 मिनट की वॉक भी सेहत को कमाल का फायदा पहुंचाती है। इसी वर्ष साउथ कोरिया में हुई एक स्टडी में कहा गया है कि उम्रदराज लोग अगर हफ्ते में केवल 1 घंटा वॉक कर लें, तो वे काफी हद तक स्वस्थ बने रह सकते हैं। हफ्ते में 1 घंटा वॉक करने से कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं को लगभग 40% तक कम किया जा सकता है। इस स्टडी में शामिल लगभग 7,000 लोगों में हर 10 पुरुष में 7 स्त्रियां थीं। बस 10 मिनट रोज कहा जाता है कि बुजुर्गों को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट सामान्य शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। इसमें वॉक, योग या हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग आदि कर सकते हैं। अगर तेज चलने या व्यायाम करने की आदत है तो हफ्ते में सिर्फ 75 मिनट ऐसा करके वे स्वस्थ रह सकते हैं। सियोल में हुए इस अध्ययन के लीड शोधकर्ता के अनुसार 80-85 की उम्र वालों के लिए 1 घंटा प्रति सप्ताह वॉक जरूरी है। दरअसल उम्र के साथ शरीर में सुस्ती आने लगती है और लोगों का चलना फिरना कम हो जाता है। ऐसे में 150 मिनट का टारगेट पूरा करना सबके लिए संभव नहीं होता, लेकिन रोज 10 मिनट वॉक करने से भी लगभग वैसा ही लाभ मिल सकता है। यानी जिंदगी कहती है कि अपनी आखिरी सांस तक चलते रहो। वॉकिंग रूल्स 1, हम उम्र साथियों के साथ सैर पर जाएं। इससे वॉक और बातचीत दोनों का आनंद मिलेगा। 2, ऐसी जगह पर वॉक करें जो घर से बहुत दूर ना हो। अपने साथ पानी की बोतल और हल्के फुल्के स्नैक्स भी रखें। 3, ऊबड़ खाबड़ जगह पर वॉक ना करें, हाथ में छड़ी रखें। 4, जल्दबाजी में घर से ना निकलें, सही नाप के वॉकिंग शूज पहने। ध्यान रखें कि कपड़े ना बहुत ढीले हों, ना बहुत टाइट। 5, तापमान और प्रदूषण स्तर का ध्यान रखें, खराब मौसम में इंडोर गतिविधियां ही करें। 6, इमरजेंसी की स्थिति के लिए अपने साथ फोन रखें। 7, सांस उखड़ने लगे, घुटने या कमर में दर्द हो, चक्कर या घबराहट हो, तो तुरंत सुरक्षित जगह पर बैठकर परिचितों को अपनी स्थिति से अवगत कराएं, तो रोग पीछे छूटेंगे। एक अन्य स्टडी में कहा गया कि जो बुजुर्ग वॉक के अलावा जॉगिंग, स्विमिंग, टेनिस जैसी आउटडोर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, उन्हें कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर रोगों से काफी हद तक निजात मिल सकती है। कहा जाता है कि नियमित बैडमिंटन या लॉन टेनिस खेलने से कार्डियोवैस्कुलर समस्याओं का खतरा 27% तक कम होता है। जॉगिंग रनिंग के भी अपने फायदे हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित तेज कदमों से चलना है। इस स्टडी में 59 से 82 की आयु वर्ग वाले लोगों को शामिल किया गया था। हड्डियां रहेंगी जवां। एक अध्ययन में ये भी कहा गया है कि नियमित वॉक से बढ़ती उम्र के साथ होने वाले घुटनों के दर्द से राहत मिल सकती है। बैठने, लेटे रहने और शारीरिक गतिविधियां कम करने से धीरे धीरे घुटनों को नुकसान होने लगता है, खास तौर पर आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त लोगों को रेगुलर वॉक करने से काफी लाभ मिल सकता है। 50 से अधिक की उम्र वालों के लिए वॉक सबसे अधिक फायदेमंद एक्सरसाइज है। मन रहेगा हैप्पी कैलिफोर्निया में हुए एक अध्ययन के अनुसार 65 की उम्र के बाद भी नियमित सैर करने वालों की मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है।
सुबह पैदल चलने से मस्तिष्क को ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है और कई तनावों दबावों से मुक्ति मिलती है। जापान में हुई एक स्टडी में पाया गया कि कोविड-19 के दौरान जो लोग नियमित वॉक एक्सरसाइज करते रहे उनकी मानसिक स्थिति सकारात्मक बनी रही, जबकि जो घरों में दुबके रहे वे अधिक बीमार पड़े। उम्र के साथ जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं तो खुश, सक्रिय और सकारात्मक रहें।